वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको देखिए फाइंड आउट करना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। दैट मीन्स लाइन सेगमेंट ए बी का ट्राइसेक्शन क्रिएट हो रहा है। जैसे हमने बाइसेक्ट सुना हुआ है, वैसे क्या होता है ट्राइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। सेम वे ट्राइसेक्शन मतलब वो क्या करता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन मतलब वो पूरा का पूरा जो लाइन सेगमेंट है वो थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सो एक लाइन सेगमेंट हम यहां पे कंसीडर करेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करने के लिए मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। इन पॉइंट्स को हमने नेम असाइन कर दिया पी एंड क्यू। लाइन सेगमेंट ए बी को पॉइंट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसको। दैट मीन्स ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी, इन तीनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। सो जब लेंथ इक्वल है तो हम रेशियो अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो रेशियो क्या आएगा, 1:1:1। दैट मीन्स अगर ये सपोज 5 है तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। दैट मीन्स ये 1 है तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। सो ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी, इन तीनों का जो रेशियो क्रिएट होगा वो होगा 1:1:1। थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं तो रेशियो क्या होगा, 1:1:1। दैट मीन्स इफ ए पी 1 है तो पी क्यू भी 1 होगा, एन क्यू भी 1 होगा। देखो पॉइंट ए एन बी, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है हमको। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,7 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -4,-8। अब हमको फाइंड आउट क्या करना था, इसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। सो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्या है, पी एंड क्यू। दैट मीन्स पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। अब मैं पहले फोकस करता हूँ पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करना है। सो अगर देखिए पूरे लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। पी के लेफ्ट साइड में देखिए 1 है और पी के राइट साइड में 1+1 इट इज 2। तो ए पी एंड पी बी का अगर रेशियो क्रिएट होगा तो 1:2 होगा। दैट मीन्स पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। पी डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2। सो सबसे पहले तो लाइंस जो पॉइंट पी है इसको मैं एक कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारा x1 y1 है। पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, x1 y1। सो लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 1:2। पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। सिंपल है, पॉइंट पी के लेफ्ट में जो लेंथ है इट इज 1 और पी के राइट में जो लेंथ है 1+1 इट इज 2। सो पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है।
सो 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी. अब हम यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, दैट मींस एक्स वन, ये होगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाय एम प्लस एन. ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स पॉइंट पी जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो इस काइंड ऑफ का फॉर्मूला है. बट अब हमको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे नोटेशंस यूज किए उसके हिसाब से हमको फॉर्मूले के जो वेरिएबल्स है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. तो ये एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा, एक्स वन, दैट मीन्स पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट. और यहाँ पे जो एक्स वन एक्स टू होता है वो होता है हमारा, देखिए इसके हिसाब से ये ए और बी है, देखिए कुछ इस तरीके का होगा. ये m है और ये n है, दिस इज m इज टू n, दैट मीन्स m का वैल्यू 1 है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट x1 y1 और ये है x2 y2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टू. सो सिंपल होता है 1 इज टू, मतलब 1 इन टू x कोऑर्डिनेट. सो ये होगा 1 इन टू माइनस 4 प्लस दिस इज 2, 2 इंटू अपोजिट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय एम प्लस एन मीन्स 2 प्लस 1 प्लस 2. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3. माइनस 4 प्लस 4 इज 0, 0 अपॉन 3 इज 0. दैट मीन्स पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 0. पॉइंट पी का एक्स कोऑर्डिनेट इज 0. अब सेम वे पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे. सो वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का है वाई वन, इट इज इक्वल टू, तो सिंपल है पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट तो 1 इंटू अपोजिट का वाई कोऑर्डिनेट, तो 1 इंटू माइनस 8, 1 इंटू माइनस 8 प्लस 2 इंटू 7, दिस इज 2 इंटू 7 डिवाइड बाय एम प्लस एन, दैट मीन्स 1 प्लस 2. सो 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8 प्लस 2 इंटू 7 इज 14 डिवाइड बाय 1 प्लस 2 इज 3. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 8 एन प्लस 14 होता है 6. ये हो जाएगा 6 और बिगर नंबर का साइन होता है, ग्रेटर नंबर का, दैट मीन्स प्लस 6 आएगा डिवाइड बाय 3. सो 3 टू जा 6 हो गया, दैट मीन्स y 1 का वैल्यू 2 है. सो पॉइंट पी का x एन y कोऑर्डिनेट हमको मिल गया. पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट है 0 एंड y कोऑर्डिनेट है 2. देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट है 2. पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 0 एंड y कोऑर्डिनेट 2 आ गया. सेम वे देखिए अभी हम लोग पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. सो Q का जो x कोऑर्डिनेट है उसको मैं एज्यूम कर लेता हूं ये है हमारा x2,
यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये एक्स टू है और वाई कोऑर्डिनेट है इसका वाई टू। अब देखिए पॉइंट क्यू के व्यू से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 + 1 2 बन रहा है और राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट हो रहा है। दैट मीन्स पॉइंट क्यू डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी इन अ रेशियो 2:1। पॉइंट क्यू लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। सो अभी हम कंसिडर करेंगे यहां पर, लेट क्यू जिसका कोऑर्डिनेट हमने एज्यूम किया है x2 y2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन 2:1। पॉइंट क्यू लाइन सेगमेंट ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहे हैं। सो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू देखिए एक्स टू का वैल्यू क्या होगा, 2 × अपोजिट वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और फिर दिस 1 × इसके अपोजिट वाले का एक्स कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स ये होगा एक्स टू इक्वल टू 2 1 + 1 ये 2 है, 2 − 4। सो ये हो गया 2 − 4 प्लस यहां पे 1 है, 1 × 2। एंड डिवाइड बाय एम प्लस एन दैट मीन्स 2 + 1, 2 × −8 सॉरी 2 × −4 ये हो गया −8 प्लस 1 × 2 2 हो गया, डिवाइड बाय 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो −8n + 2 ये होता है −6। तो न्यूमरेटर में −6 है, डिनोमिनेटर में 3 है। सो 3 × 2 = 6 होता है। दैट मीन्स पॉइंट क्यू का जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू हमको मिल गया है −2। अब सेम वे इसका वाई कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करेंगे। वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा सिर्फ 2 × y कोऑर्डिनेट 1 × y कोऑर्डिनेट दैट मीन्स 2 × −8 ये हो गया y2 = 2 × −8 प्लस 1 × 7। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 1 × 7 डिवाइड बाय 2 + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 × −8 हो जाएगा −16, ये −16 हो गया और 1 × 7 7 डिवाइड बाय 3 ये हो जाएगा −9/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 3 = 9 होता है। सो −3 आ गया। दैट मीन्स वाई टू का वैल्यू हमको मिला −3। वाई टू मीन्स पॉइंट क्यू का वाई कोऑर्डिनेट। तो देयर फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू इज एक्स कोऑर्डिनेट है −2 और वाई कोऑर्डिनेट है −3। दैट मीन्स जिस पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करने थे, तो ट्राइसेक्शन के हमारे दो पॉइंट थे, एक पॉइंट है पी एंड दूसरा पॉइंट है क्यू।
सो पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट हमको मिला हुआ है 0.2, एंड सेकंड जो ट्राइसेक्शन का पॉइंट था वो है क्यू, और क्यू का कोऑर्डिनेट हमको मिला है -2, -3। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अरे मोटो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों हमारे यूट्यूब पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे हर वीडियो की सूचना मिले।